स्टेशनों पे बीए पढ़े हुए लोग, रेलवे के ऑफिसेज में बीए पढ़े हुए लोग, टाइपिस्ट अच्छे अच्छे, ये सब जो है ना, इन लोगों को 8,000 रुपए की नौकरी में काम किया जा रहा है। 8,000 रुपए की, सिर्फ 8,000 रुपए में लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स बिक गया, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया बिक गया, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया बिक गया, पवन हंस बिक गया, वी एयर आर कंपनी बिक गई, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिक गया, सीमेंट कारपोरेशन बिक गया, इंडियन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बिक गई, एलम स्टील बिक गई। इस तरह से सैकड़ों और हजारों कंपनियां बेची जा रही हैं और देश का बिल्कुल बिल्कुल देश में नौकरियां खत्म हो रही हैं और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। आइए आज हम संकल्प करें। मैं 95 से समाजवादी पार्टी में काम करता हूं और मुझे मालूम है कि मैं कभी सत्ता में महाराष्ट्र में नहीं आऊंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मेरा यह संकल्प है तुम्हारे सामने, मैं कभी जिंदगी में सत्ता में नहीं आऊं, क्या हुआ, लेकिन मैं इस समाजवादी पार्टी के झंडे को आसमान की ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता हूं। मुझे सत्ता की लालच नहीं है, मुझे मेरे साथ जुल्म हो जाती हो, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी जब तक जिंदा रहूंगा, मर्द की बात है कि एक ही पार्टी में रहूंगा या राजनीति नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने वादे किए यहां पर, बहुत सारी बड़ी बातें की, लेकिन हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं दोस्तों, धोखा देने वाले आदमी से दूर रहो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, टिकट नहीं मिला ना तो मुर्दाबाद, टिकट मिल गया तो जिंदाबाद। अगर ये हमने बंद कर दिया, और हम लोग अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए, अपने देश के संविधान के लिए अगर हम एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं किसी की चमचागिरी नहीं, किसी को मस्का लगाने के लिए नहीं, मैं पूरे देश की तमाम पार्टियों को देखने के बाद कहता हूं कि अगर इस देश में कोई सेकुलर पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है और अखिलेश यादव सेकुलर है, यह पक्की बात है। लेकिन हमें ऐलान जंग करना पड़ेगा। हम लोग 2022 में जीत के करीब पहुंच गए थे। मैं हमेशा यह कहता हूं कि हम लोग कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी 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 बोलते हुए जाते हैं, जब पाला पकड़ने का टाइम रहता है, एक इंच बाकी रहता है, तो कोई सांस टूट जाती है, कोई खींच लेता है, तो बड़ा अफसोस होता है, यार क्या करें यार। हमने लिया 3 लाख वोट और एक आदमी ने 300 वोट लेके मुझे हरा दिया 300 वोट से, और हमारा ही आदमी है। अखिलेश भाई, आस्तीन के सांपों से परहेज करना पड़ेगा अपने को। जो लोग मस्का लगाते हैं, चमचागिरी करते हैं, उनको दूर रखना पड़ेगा अपने को, और अपने को ऐसे वर्कर बनाने पड़ेंगे जो बिल्कुल कमिटेड हो, आंधी या तूफान आए, नेताजी की तरह से, जिस तरह नेताजी बड़ी बड़ी आंधियों का रुख मोड़ दिया करते थे, वो कार्यकर्ता हमें चाहिए समाजवादी पार्टी का। आज दोस्तों कहते हैं, माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं, माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादारे वतन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादारे वतन हूं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, सरकार को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। मैं देखता था ना, अब एक फिल्म थी शोले, तो शोले में मां कहती थी, बच्चा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, बच्चा तू सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और आज कहते हैं, अगर ज्यादा बोला ना तो ईडी और इनकम टैक्स आ जाएगी, ये हो गया। अरे शर्म नहीं आती, रोज ईडी, रोज इनकम टैक्स, रोज ईडी, जिसको चाहो उठा के जेल भेज देते हो। और ये संकल्प आज इस राष्ट्रीय सम्मेलन में संकल्प लो कि अखिलेश यादव जी, अब आपके आदेशों पर हम एक एक गांव में जाएंगे, एक एक गांव में एक एक लोगों के पास जाएंगे, और जो आरएसएस के लोग हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की गलत तरीके से लोगों के दिलों में एक बात डाल रहे हैं, हम बता देंगे कि ये गलत है, ये लोग जो है ना जबरदस्ती हिंदू और मुसलमानों को अलग कर रहे हैं। एक आदमी खत्म करता हूं, एक आदमी एक बकरी लेके जा रहा था, बकरी के बच्चा गोद में, तो कुछ लोगों ने बोला, इसको हम देखो इसको कैसे फंसाते हैं। एक आदमी कोने में खड़ा हो गया, बोला, अरे यार कहां कुत्ते का बच्चा ले जा रहा है। अबे उसने बोला, ये बकरी का बच्चा कुत्ते का नहीं है। फिर दूसरा उसका साथी थोड़ा दूर खड़ा था, अरे बोले कहां ये बकरी का कुत्ते का बच्चा ले जा रहा है। अबे उसने कहा, क्या बात कर रहा है, सभी बोलते हैं तो बकरी का बच्चा है। फिर आगे गया, फिर तीसरे ने बोला, फिर चौथे ने बोला, उसने उठा के फेंक दिया, बोले लगता है कि सही है बात, ये लगता है ये मुझे बकरी लगती, कुत्ता ये लगता है ये। तो ये आजकल बीजेपी के लोग एक एक इलाके में जाकर गलत तरीके से प्रोपगंडा कर रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था,
एक गया आरएसएस का आदमी, एक गांव में बैठा, एक झंडा लगाया और लोगों को बुलाकर बात करना शुरू किया। जैसे उसे सांप्रदायिकता की बात की ना, फिरका परस्ती की बात किया, गांव वाले उठ के खड़े हो गए, बोले जाओ तुम यहां से, हमें जरूरत नहीं तुम्हारी, हम अपने गांव के अंदर भाईचारगी का पैगाम देना चाहते हैं। भगा दिया उसको वहां से। ये माहौल पैदा करना पड़ेगा। कहते हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। बाबा जी अगर ये स्टेट टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हमें भारत को बचाना है। गरीबी बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है, आज काम धंधा किसी के पास नहीं है। अखिलेश यादव जी ने 12 से 17 तक, मैं गारंटी से कहता हूं, अगर मुझसे कोई बहस करता है, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं, मेरे पास इतने एग्जाम्पल हैं कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 12 से 17 तक किया ना, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। लाइए फिर से एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और ये सोचिए कि आपको टिकट मिले या न मिले, लेकिन आपको इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए एक साथ जमा होना है। और समाजवादी पार्टी को फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लाना है। पूरा देश खाली है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। अगर अखिलेश भाई निकल जाए पूरे देश में एक बार, जो इनका रथ है लेके निकल जाए, मैं समझता हूं सड़कों पर लोगों को खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। और इंशाल्लाह ये इस अधिवेशन के बाद अगर ये संकल्प हमारा है कि हम समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम जो है एक एक प्रदेश में एक एक ऑब्जर्वर नियुक्त करें और समाजवादी पार्टी का काम शुरू करें। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत है। बहुत बधाई आपको, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अब मैं